जैन फैंस कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके एडमिट कार्ड से, चाहे रिजल्ट से, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसा कि सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर सशस्त्र सीमा बल जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वगैरह की है, जो वैकेंसीज निकली हैं, इसका जो आगे की प्रक्रिया है, जो एग्जाम डेट वगैरह है, जो फिजिकल प्रोसेस है, वो सर कब चालू होगा? अब देखो, बहुत से चैनलों पे दोस्तों सभी कह रहे हैं कि भाई 1-2 महीने बाद चालू होगा, 2-3 महीने बाद चालू होगा। तो दोस्तों, अभी ये संभव नहीं है ये कहना उनके लिए, ठीक है दोस्तों? ये मतलब गलत अफवाहें हैं, ठीक है दोस्तों? तो अभी इसका जो भी है, जो ये वैकेंसीज निकली हैं, इससे रिलेटेड कोई भी मैटर अभी रिक्रूटमेंट ब्रांच में कुछ भी अभी इसके बारे में नहीं सोचा गया है। तो उससे रिलेटेड मैं ये सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ और इसका बताने वाला हूँ क्या क्या प्रोसेस इसका कब चालू होने वाला है और कैसे आप प्रिपरेशन करें और कब इसका ये प्रक्रिया चालू होगी। तो दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल हेड कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट निकली थी, जिनके सभी के जो रजिस्ट्रेशन थे वो 5/23 से 18/6/23 तक हुए थे, ठीक है दोस्तों? जिसमें हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी थी, वो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी थी वो 15 थी और हेड कांस्टेबल मैकेनिकल की जो वैकेंसी थी मैक की, वो 296 थी। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की वैकेंसी थी वो 2 थी और हेड कांस्टेबल वैटी की वैकेंसी 23 थी और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की वैकेंसी 578 थी। और सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों का इसी पर है, ठीक है दोस्तों? जो भी पीसीएम वाले वगैरह हैं और जिन्होंने भी मतलब डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, सबका ध्यान अभी इसी पर है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। ये 2023 में वैकेंसी निकली है, सबसे अच्छी नौकरी है एक तरह से सशस्त्र सीमा बल की, क्योंकि इसमें कोई वैसा वर्क नहीं होता, ओनली अपना जो रेडियो रहता है, रेडियो को ऑपरेट करना पड़ता है। बहुत अच्छी जॉब ये मानी गई है सशस्त्र सीमा बल में, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ये वैकेंसी जो निकली थी 5/23 से 18/6/23 में निकली थी, ठीक है? ये इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो बाकी दोस्तों, ये अभी इस साल ना होने की संभावना मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? इस साल ना होने की संभावना मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है या नहीं भी पता होगा कि जो कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी थी दोस्तों, ठीक है, वो चली रही है अभी, तो वो इस ईयर में ही कंप्लीट होगी, ठीक है? और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है वो दोस्तों अभी चलने वाली है, ठीक है? मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी अभी चालू होने वाली है और ये अगस्त में आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है? डिले होने का रीजन इनका यही है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का डिले होने का रीजन यही है कि हमारे जो डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ की LDC की 21 वैकेंसी निकाली गई थी अभी, जिसकी जो प्रक्रिया है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। उस प्रक्रिया के दौरान फिजिकल और आपका उसके बाद एग्जाम, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट का फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद फिर आपका मेडिकल के बाद ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। रीमेडिकल वाला भी जो प्रोसेस था वो भी चला, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अब उसका फाइनल मेरिट आने वाला है और जो कि इसी मंथ के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब जो सारी प्रक्रिया है, सारा जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पे ध्यान है सभी का, जो 115 वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसी की जो प्रक्रिया है इस साल में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? तो अभी जो ये वाली जो वैकेंसी है, इनका अभी इस साल में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस साल में इनका भर्ती होना अभी, मतलब जो ये भर्ती की प्रोसेस होना अभी चालू नहीं हो सकता। तो जो ये प्रोसेस है आपकी 2024 में ही चालू होगी, ठीक है? मंथ भी मैं अभी आपको जब भी बताऊंगा, 2-3 महीने पहले मैं मंथ भी आपको बता दूंगा कि ये प्रक्रिया कब, या तो जनवरी में होगी या फरवरी में होगी या मार्च में होगी, जो भी प्रक्रिया है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारे इंटरनल जो मैसेज है वो मतलब बोर्ड प्रोसीडिंग वगैरह डेवलप करते हैं, मतलब बोर्ड प्रोसीडिंग वगैरह बनाते रहते हैं, 2-3 महीने पहले ही बोर्ड प्रोसीडिंग बनने लगती है, ठीक है दोस्तों? उससे क्या होता है, हमें थोड़ा कंफर्मेशन हो जाता है कि कौन सी भर्ती क्या होने वाला है, या हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन रहने वाला है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी है रिक्रूटमेंट ब्रांच जो होती है, वो सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेंबर वन
मेंबर टू और मेंबर थ्री, ठीक है दोस्तों, ये क्रिएट करती है, मतलब बनाती है, ठीक है, और फिर इस हिसाब से ये यूनिट को मैसेज करती है, ठीक है दोस्तों। तो यूनिट को मैसेज करेगा जो वहां का जो सीनियर ऑफिसर रहेगा, ठीक है, जो भी सीनियर ऑफिसर रहेगा वहां पे, ये जैसे कमांडेंट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह बनाया जाता है, जो ये नॉर्मल हेड कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी जो होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये या फिर अगर कमांडिंग ऑफिसर अगर नहीं है तो फिर डीआईजी ऑफिसर, डीआईजी को भी यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डीआईजी वगैरह या जो भी है, इनकी जो भी डिमांड होती है, तो उस हिसाब से हमें पता लग जाता है नॉर्मली कि भाई कब इसकी वैकेंसी आपकी चालू होने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही मेरे को कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसने भी फॉर्म फिल कर रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।